हेलो फ्रेंड्स, घनी खम्मा, मैं हूँ वाई टी महेश। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल मारवाड़ी। सो गाइज, आखिरकार ये वीडियो आ गई जिसमें हम बात करने वाले हैं WCC2 लाइट वर्जन वर्सेस रियल क्रिकेट गो के बारे में। इन दोनों में से कौन सा गेम है जो आपको डाउनलोड करना चाहिए, कौन सा गेम है जो यूज़फुल है, जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा फीचर्स का यूज़ कर पाएंगे। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए और पास वाला बेल आइकन तो भूलना ही मत। उससे पहले थैंक यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं WCC लाइट वर्जन की, जो एक अनरिलीज बीटा वर्जन है। ये मात्र 36 MB का एक गेम है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे पूरे गेम के बारे में। इसके 1 लाख डाउनलोड्स है, तो ये 1 लाख डाउनलोड के इसलिए क्योंकि पहले रियल क्रिकेट गो से पहले ये रिलीज़ हुआ था। अब बात करते हैं रियल क्रिकेट गो की, जिसके वो जो भी एक अनरिलीज डेटा बीटा वर्जन है, 10,000 इसके भी डाउनलोड्स हैं और ये रियल क्रिकेट 18 जैसा एक्सपीरियंस देने का वादा भी करता है, तो इस हिसाब से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों इसमें कंपैरिजंस हैं। अब बात करते हैं वापस WCC2 लाइट के बारे में। इसमें आपको बहुत बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आप देख भी सकते हैं टेस्ट मैच भी है एक 36 MB गेम में, क्विक मैच, सुपर ओवर, सुपर चीज़ और बैटिंग मल्टीप्लेयर, वर्ल्ड कप भी है, T20 ODI दोनों वर्ल्ड कप्स हैं, और भी आपको प्रीमियर लीग्स भी मिल जाती है, NPL जो हमारा IPL कहते हैं, पाकिस्तान लीग और ऑजी लीग, और भी बहुत सारे मिल जाते हैं। इसके बाद में रियल क्रिकेट गो में आपको क्विक प्ले और टूर्नामेंट दो मिलता है। टूर्नामेंट्स में भी आपको 4 जो चैम्पियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप और भी एक था, मुझे लग दो थे और भी, जो ऑथराइज्ड कप और एशियन कप भी मिल जाता है 4। इसके ये आपको इतने सारे जो आपको मिल जाते हैं, इस हिसाब से इस दोनों के कंपैरिजन में मुझे लगता है अभी तक WCC2 ज़्यादा, WCC लाइट वर्जन है वो आपके आगे चल रहा है। अब टॉस की बात की जाए तो जो टॉस है वो इस तरीके से होता है रियल क्रिकेट गो में, इस तरीके से स्वाइप अप करना पड़ता है, तो इस तरीके से होता है। अब WCC2 लाइट की बात की जाए तो इस तरीके से अपने आप होता है, हेडसेट टेल लेना पड़ता है। तो इन दोनों में मुझे लगता है दोनों सेम ही थे, तो आप इस हिसाब से भी आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। मुझे लगता है जो फीचर्स की बात की जाए तो WCC लाइट अभी तक आगे है, क्योंकि सेटिंग्स की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है WCC लाइट में। और हम रियल क्रिकेट गो की सेटिंग्स में जाए तो इससे पहले भी आपको स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाते हैं। इसमें आप बहुत ही, इसमें 33 MB का गेम है, इसमें सेटिंग्स में जाकर आप कंट्रोल भी बहुत सारे, आप आपका जैसा भी स्वाइप वाला कंट्रोल चाहिए या फिर प्रो कंट्रोल चाहिए वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, और बैटिंग व्यू और बॉलिंग कैमरा व्यू भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और मेन जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इस गेम में आपको कमेंट्री भी मिलती है। हाँ गाइज, आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं, कमेंट्री भी है इस 33 MB के गेम में, और WCC लाइट 36 है, उसमें कुछ भी नहीं है इसमें से, ना व्यू है, ना कमेंट्री है और ना ही कुछ है। अब रियल क्रिकेट गो की बात की जाए ये तो उसका जो कंट्रोल है ये इस तरीके से, जो मुझे थोड़ा हार्ड लगा था पहले मुझे थोड़ा हार्ड लगा था, और दूसरी तरफ मैंने उसका कंट्रोल चेंज किया, उसके बाद में हम स्वाइप वाला कंट्रोल भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे ये कंट्रोल बहुत ही बढ़िया लगा, जिसमें मैंने पहली गेंद मिस कर दी थी और दूसरी गेंद में इस तरीके से आप सिक्स भी लगा सकते हैं, स्वाइप वाले भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा अच्छा लगता हो तो। दूसरी तरफ हम WCC लाइट का तो हम कंट्रोल जानते हैं, स्वाइप वाला है, उसकी ग्राफिक्स WCC के ग्राफिक्स से अच्छे मुझे लगते हैं। इसमें ग्राफिक्स है रियल क्रिकेट गो के ग्राफिक्स अच्छे हैं, और WCC के ग्राफिक्स आप देख सकते हैं ऐसे लाइट के। अगर आपको भी लगता है कि मेरे से कोई गलती हो गई हो और आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है वो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, और आपके हिसाब से कौन सा गेम अच्छा है वो भी लिख दीजिए, और हम तो हमारे तरीके से हमने कंपेरिजन किया।